And I might as well confess. जगह इतनी प्रिटी है, इतनी ब्यूटीफुल है कि बस ऐसे ही उसका मजा लेंगे। तो चलते हैं आगे। चलिए तो ये छोटी छोटी आलीज मिलेंगी आपको, और इन छोटी छोटी आलीज में आपको शॉप्स मिलेंगी, बार्स मिलेंगे जो अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि सुबह के 8 बज रहे हैं, ज़्यादा खुला नहीं है, बट सर ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और ये जो ब्रिजेस देख रहे हैं आप जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ऐसे ब्रिजेस कम से कम 400 हैं इस पूरे शहर में जो कनेक्ट करते हैं एक आली से दूसरी आली को। तो ऐसे 400 ब्रिजेस मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो हम बैठे हैं सैन मार्कोस प्लाज पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार, आप आ सकते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे कैफेज़ हैं, बार्स हैं, और ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो आपको यहाँ पे अगर आना हो तो 1000 रुपये खर्चा करना है आपको अगर चाय पे, तो आप कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने कर दिया है और हमें पता नहीं था कि ये इतना एक्सपेंसिव होगा, बट एनीवे आई थिंक व्यू का पैसा है, तो हम अंदर जाएंगे कैथीड्रल के। चलते अंदर। तो यूजुअली ये जगह इतनी भरी होती है कि आपको चलने की जगह नहीं होती। आई विल शो यू अ रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, ये कुछ ऐसा दिखता था। और अब फिलहाल ऐसा दिखता है, एब्सोल्युटली एम्प्टी। तो यही बात हमारे होस्ट ने भी कही, और जितने लोगों से हम मिले हैं यहाँ पे कल जहाँ बाहर में बैठे थे उन लोगों ने ही बोला कि तुम सबसे बेस्ट टाइम में आए हो क्योंकि एब्सोल्युटली एम्प्टी है, द सिटी इज़ एट रेस्ट, एंड ये सबसे बेस्ट तरीका है वेनिस को देखने का क्योंकि आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं सेंट मार्क्स बेसिलिका के अंदर, कैथीड्रल है। तो वो रहा सेंट मार्क्स बेसिलिका, ये रहा टावर, और यहाँ पे एक्सट्रीमली इधर आएंगे तो आपको गंडोला राइड्स ले सकते हैं आप। तो पीछे जो आप देख रहे हो वो है रियाल्टो ब्रिज, जो वन ऑफ द फेमस ब्रिजेस ऑफ वेनिस में आता है, और अगेन आप यहाँ से गंडोला राइड कर सकते हो, गंडोला राइड कर सकते हो, और ये पूरी स्ट्रीट पे और उसके उस तरफ भी जो स्ट्रीट है सिर्फ आपको कैफेज एंड बार्स मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार, खाओ पियो मौज करो यहाँ पे। तो आप तो आए हैं कोई एक अच्छे से बार पे जहाँ करेंगे लंच, जो कुछ ऐसा दिखता है।
और भाई ऐसे तो हो नहीं सकते आप कि इटली आए हो और आपने पिज्ज़ा ना खाया हो। तो मैंने कल तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, आई मीन पिज्ज़ा विज्ज़ा, तो आज खाते हैं। ये रहे ऑप्शंस, साहब से पूछते हैं कि कौन सा पिज्ज़ा बेटर है यहाँ पे और फिर मंगा के खाते हैं। Thank you. We have a little bit of onion. A little bit of onion. It's so good. Fun thing is that in Europe, you will not get a pizza cut out anywhere. So this you have cut yourself. And let's start with this bite. It's so good. It's so good. It's so good. It's so juicy. Oh my god. Oh my god. Why is it so juicy? Oh wow. तो दोस्तों लंच करके हटे हैं और यहाँ पे होती है गोंडोला राइड्स। हाँ मतलब फेमस है गोंडोला राइड्स और हमने की नहीं है। कल हम विक्टर के साथ घूमे थोड़ा, लेकिन वो हम घूमे ट्रेडिशनल बोट राइड्स में नहीं। और ये ट्रेडिशनल बोट्स हैं जिन पे आप घूम सकते हो। तो मैंने बात की है, टिपिकली प्राइस होता है 80 यूरो, 30 मिनट की राइड के लिए 80 यूरो होता है। थोड़ा डिस्काउंट कराया क्योंकि मैं देसी हूँ ऑब्वियसली, तो 50 तक बोल रहा था मैं, बट 60 पे आ गए हैं चाचा जी। ये बैठे हैं यहाँ पे, ये हमें लेके जाएंगे। तो हमने बुक करा ली है, मैं स्टेफ का वेट कर रहा हूँ और जाते हैं गोंडोला राइड लेते हैं। एंड मेजर चीज़ें बताएंगे भाई साहब हमें, बेसिकली वेनिस की इम्पोर्टेंट लोकेशंस तक हम जाएंगे गोंडोला से। तो चला जाए। In Venice and not having the opportunity to do the gondola rides. It would be so stupid. Not going to happen, my not friend. Not going to happen. But the sport is so pretty. Look at that. Very nice. Wow. So finally, in a gondola ride. It's so fascinating how people actually maneuver the boats because they're so professional. Because that's the only way they can travel, right? Here's the bus. What's your good name, sir? My name? Yes, sir. Diego. That's Mr. Diego. So this is the Rialto Bridge, the famous one. The first in Grand Canal. The first in Grand Canal. तो ये पहला bridge था Grand Canal में, which is why Rialto Bridge is very famous. तो ये पहला prison था और यहाँ पे 20 साल पहले Germans occupy किया रखा था और यहाँ रहते थे। बट अभी फिलहाल shopping complex है और यहाँ के लोग shop करते हैं। और ये था पहला prison Venice का। So this palace करीबन 800 साल पुराना जो अब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, अलग ही फील है। तो ये जो आवाज निकाली है ओए ओए, इसका ये बेसिकली हॉर्न है यहाँ का। So everyone's gonna be saying oi 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 oi. Maybe you make something in front of India. I am not making fun, but a little bit. Yay! Yeah, look at that. Because we are 55,000 habitats. So there are only 55,000 habitats, and Diego me bata rahe hain ki kareeban 1.5 lakh log har roz aate the generally yahan pe as a tourist. 1.5 lakh log, 1 to 1.5 lakh people every day. But abhi I think it's the best time to actually experience Venice like this. Oi, oi, oi. Look at that, so cool.
right here is the opera house Marco Polo. So Marco Polo yahan rehte the. तो आप ये बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, इनका हाल थोड़ा बुरा है। मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी कंडीशन ठीक नहीं है, बट डिएगो ने बताया कि सिंस पूरी की पूरी सिटी जो है वाटर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, और अब नहीं बहुत ही ज़्यादा हज़ारों सालों पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है, उसके डायनेमिक्स में चेंजेस ना आए, प्रॉब्लम्स ना हो उसकी वजह से। वो बाहर से चाहे पुरानी दिखे, बट अंदर से ज़रूर रेनोवेट होती हैं। तो अंदर से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्टेड हैं, बट बाहर की जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं उनका हाल ऐसा लगता है कि बुरा है, बट ऐसा नहीं है। सो हियर वी आर एट द एंड। ये पार्किंग देखना कैसे करते हैं। बेस्ट एडवाइस दूंगा आपको मैं, अगर आप आ रहे हो वेनिस में, कोई मैप की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करो और खो जाओ एब्सोल्युटली। छोटी छोटी एलीज और छोटी छोटी गलियों में गेट लॉस्ट। छोटी छोटी एलीज में जो आप घूमोगे, आपको ऐसे बार्स मिलेंगे हर गली में, हर सड़क में, हर किसी कोने में गली के आपको ऐसे छोटे बार्स मिलेंगे और लोग खाना खा रहे होंगे। चिचेतीस जो बार्सिलोना या स्पेन में आपको तापास दिखाया था पिछले ब्लॉग में, वैसे यहाँ पे चिचेतीस बोलते हैं, जो होते हैं स्टार्टर्स एपेटाइजर्स जो लोग खाते हैं। तो चलते रहिए, ऐसी गलियों में आप सफ़र करते रहिए, कुछ प्लान मत कीजिए, कुछ मैप मत लीजिए, जिसके लॉस्ट इन द सिटी। एक और बार con le palle color della cielo.